नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार चुनाव से पहले टूटा जनता परिवार। मोदी मैजिक से मुकाबले के लिए गठित जनता परिवार के बिखराव पर मुहर लगाते हुए उसके सबसे बड़े घटक समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई दल के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सपा को बिहार विधानसभा चुनाव में 2 और 5 सीटों का प्रस्ताव मिलने से अपना अपमान महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता परिवार के अन्य प्रमुख घटक दलों का यह फर्ज था कि सीटों का बंटवारा करने से पहले सपा से बातचीत करते। यह गठबंधन धर्म नहीं है। जनता परिवार के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि जब उसके गठन की कवायद शुरू हुई थी तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वह सपा के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करेंगे। आतंकवाद पर अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत। अमेरिका ने पाकिस्तानी नेतृत्व पर देश के भीतर आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए जाने का दबाव बनाने के साथ ही चेतावनी दी है कि मौजूदा नीति को जारी रखने से उसके भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसैन राइस ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ और उनके पाक समकक्ष सरताज अजीज के साथ इस सप्ताह हुई बैठकों में साफ कर दिया कि आतंकवादी समूहों से मुकाबला करने के लिए उन्हें अधिक कार्रवाई करने की जरूरत है। राइस ने इस बात को रेखांकित किया कि आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की धरती से लगातार जारी हैं। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और भारत के बीच क्षेत्रीय टकराव का महत्वपूर्ण कारक बन चुकी हैं। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, बताए संघ के प्रति जिम्मेदार है या देश के प्रति। कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह देश की जनता या संघ में से किसके प्रति जवाबदेह है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में है, मोदी संघ की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत सत्ता के केंद्र में हैं। ये तब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।